हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीड एंड रिलीज यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए दोस्तों गुड न्यूज़ है, इंडियन आर्मी में दोस्तों एक और ओपन रैली भर्ती आ गई है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती में कौन कौन से ज़िले के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, किस किस पोस्ट पर दोस्तों ये वैकेंसी आई हुई है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि किस पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है और किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें पोस्ट है, आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी सोल्जर जी डी की। दोस्तों ये ओपन रैली भर्ती है, इसमें दोस्तों आपको जो है डायरेक्ट रेस पास करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों पहली पोस्ट है सोल्जर जीडी की, इसके लिए दोस्तों आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17.5 से 21 साल होनी चाहिए, हाइट आपकी 1.68 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर, क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों आपकी 10th पास चाहिए, 10th में दोस्तों आपके 45% नंबर होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 33% नंबर होने चाहिए, तब आप जीडी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल की। टेक्निकल में दोस्तों आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17.5 से 21 साल होनी चाहिए, आपकी हाइट 1.67 सेंटीमीटर आप यहां पर देखते हैं, वेट आपका 50 kg, चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर, क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों 12वीं पास मांगी गई है। 12वीं में दोस्तों आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए। दोस्तों इंग्लिश में आपके 50% नंबर होने चाहिए और टोटल हर सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 40% नंबर कंपलसरी हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों सोल्जर नर्सिंग की, नर्सिंग असिस्टेंट की आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17.5 से 23 साल होनी चाहिए, हाइट आपकी 1.68 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg, क्वालिफिकेशन इसमें दोस्तों 12वीं पास मांगे, 12वीं में दोस्तों आपके पास 50% नंबर होने चाहिए, 12वीं में दोस्तों आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों क्लर्क की। क्लर्क में दोस्तों आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 1.62 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सबसे कम दोस्तों हाइट जो मांगी जाती है वो क्लर्क में ही मांगी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी हाइट होनी चाहिए 1.62 सेंटीमीटर, एज आपकी 17.5 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें 12वीं पास मांगी गई है, 12वीं में दोस्तों आपके पास इसमें मैथ होना कंपलसरी है, यानी कि यदि आपके पास मैथ है तब आप क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपके 60% नंबर होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 50% नंबर कम ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 50% नंबर कम ना हो, टोटल दोस्तों आपके 60% नंबर होने चाहिए, तब आप क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है दोस्तों ट्रेडमैन की। ट्रेडमैन में दोस्तों आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 1.68 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एज आपकी 17.5 से 23 साल, इसमें दोस्तों आप जो है 8वीं पास से भी अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास से भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन में दोस्तों बहुत आसान है, इसमें दोस्तों आपको सिर्फ 33% नंबर होने चाहिए और इसमें हर सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, आपके दोस्तों सभी सब्जेक्टों को मिलाकर 33% नंबर होने चाहिए, तब आप ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें क्या आपका होने वाला है। दोस्तों आर्मी की ओपन रैली भर्ती में सबसे पहले आपकी रनिंग होती है, रनिंग दोस्तों आपकी 1600 मीटर होती है, जिसको दोस्तों आपको जो है कम से कम टाइम में पास करना होता है, जिसके लिए दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टाइम दिया हुआ होता है, फर्स्ट ग्रुप के लिए 5:30 का, सेकेंड ग्रुप के लिए 5:45 का। यहाँ पर दोस्तों आपको ये जानने वाली बात यह है कि आपको जो फर्स्ट ग्रुप में नंबर दिए जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप के दोस्तों 60 नंबर दिए जाते हैं, आपको ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ग्रुप के लिए दोस्तों आपको 60 नंबर देते हैं, सेकेंड ग्रुप के लिए 48 नंबर दिए जाते हैं। जैसे ही दोस्तों जो कैंडिडेट रैली भर्ती में रनिंग पास कर लेते हैं उनको जो है मेडिकल के लिए रोक लिया जाता है। फिजिकल में दोस्तों आपकी सबसे पहले रनिंग होगी, रनिंग के बाद दोस्तों आप सब पुलअप्स लगवाए जाते हैं, पुलअप्स के दोस्तों कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि 10 पुलअप्स के लिए 40 नंबर दिए जाते हैं, 6 पुलअप्स के लिए 16 नंबर दिए जाते हैं, यदि आप 6 पुलअप्स से कम लगाते हैं तब आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों फिजिकल के बाद दोस्तों आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद दोस्तों आपको जो है 2-3 महीने बाद बुलाया जाता है, जिसमें दोस्तों आपका रिटर्न एग्जाम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से ज़िले इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो रैली भर्ती होने वाली है 7 फरवरी से 19 फरवरी तक दोस्तों आपकी रैली भर्ती होने वाली है, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन से ज़िले के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के कैंडिडेट जो हैं इसमें अप्लाई कर पाएंगे और मध्य प्रदेश के दोस्तों ज़िले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिवनी, मंडला, रेवा, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, सतना, शहडोल, उमरिया, काटी, अनूपपुर, नरगिसपुर, सिंगरौली एंड सिद्धि, इतने ज़िले दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आपकी रैली भर्ती होने वाली है वो होने वाली है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी अनूपपुर में, दोस्तों आपकी जो है भर्ती होने वाली है, आप यहां पर देख सकते हैं। जो आपके दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे
वो फॉर्म भरे जाएंगे आपके 9 दिसंबर से 22 जनवरी तक दोस्तों, आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे, आप 9 दिसंबर तक 22 जनवरी तक दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे बिल्कुल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फॉर्म किस तरीके से भरना होता है दोस्तों आपको पहले ही हमने वीडियो के माध्यम से बता दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू अप्लाई इंडियन आर्मी फॉर्म बाई रीड एंड लीड, तो आपको दोस्तों वो फॉर्म वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से दोस्तों आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कौन कौन से ज़िले पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसके यहाँ पर नाम दिए हुए हैं ये ज़िले दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे 9 दिसंबर से 22 जनवरी तक दोस्तों आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी रैली भर्ती होने वाली है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 फरवरी से दोस्तों आपकी, 7 फरवरी से दोस्तों आपकी रैली भर्ती स्टार्ट हो जाएगी जो 19 फरवरी तक चलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 19 फरवरी तक दोस्तों आपकी भर्ती होगी। ये दोस्तों आपका भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आपको जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ से आकर दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस भर्ती की। इसके नीचे दोस्तों सबसे नीचे आपको जाना होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्लिक हेयर पर क्लिक करके दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। सिंपल दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये दोस्तों आपका भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।